ग्राम नरैया खेड़ी में जमीनी विवाद को लेकर दो लोगों ने की मारपीट। आवेदक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बड़ी खबर बैराड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम नरैया खेड़ी से है, जहां पर आज पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक हिमाचल रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने लपई परिहार निवासी ग्राम नरैया खेड़ी से जमीन खरीदी गई है, जिसके समस्त दस्तावेज रजिस्ट्री नामांतरण क्रयनामा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी गांव के आरोपी सिरनाम रावत महेंद्र रावत ने मिलकर फरियादी हिमाचल रावत और लपई परिहार के साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर डाली, जिसकी शिकायत आवेदक ने बैराड़ थाना पहुंचकर दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने आवेदक की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। भी तो बता रहे मेरे को, अगर रास्ते में तू कभी मिल गया तो तेरे को हाथ पांव तोड़ देंगे। धमकी भी दे रहे हो, और ट्रैक्टर वाले भी डंडा मारा, उन्होंने ट्रैक्टर को रोक दिया। मेरे को तो पता नहीं था इनका क्या लफड़ा है। मैंने तो पैसे दिए इसको, और मैंने अपनी जमीन वो मेरे नाम है, मेरे पास रजिस्ट्री रखी है सर, और नामांतरण है मेरे पास, मेरे नाम चढ़ गई जमीन। इसलिए मुझे इनका लफड़े का मुझे कोई मालूम नहीं। मैंने तो पैसा दिया है, और मैं जोतने गया था, मेरे को लाठी डंडों से मारने उड़े सर, और मैं भाजता अपने घर पर गया। मैंने कि मैंने कि पता नहीं रात में मैं रिपोर्ट लिखवाने आया नहीं, कि पता नहीं रात में कोई लग जाए मेरे को पीट दे, इसलिए मैं रात में रिपोर्ट नहीं लिखवाने आया। तो अब आए थाने पर? अब मैं इसको संग लेने आया, लेके आया हूँ जमींदार को साहब। मैंने कि तू बता भैया तेरा लपड़ा हो तो तुझे पता होगा, मैंने तो तेरे को पैसा दिया है, तू जाने का वो जाने मुझे कोई मतलब नहीं है, या तू मेरे पैसे वापस कर दे। मैं तो जे कहूँगा ना, मैंने तो रजिस्ट्री करा ली, मेरे पास रजिस्ट्री, उसके पास कोई कानून है वो। थाने पर रिपोर्ट लगाने आया? हाँ, थाने पर रिपोर्ट लगाने आया। क्या मामला है पूरा? ये मामला है, जमीन ने मेरे को बेची है, और वो क्या है, वो जोतने गया है उसको, तो वो मेरे को लाठी डंडों से मारने उड़ा मेरे को, ट्रैक्टर वाले को भी धमका। कौन? सरनाम रावत। कहाँ के रहने वाले? नरही के। आप भी नहीं रहिए? नरही के। थाने पे क्यों आए? रिपोर्ट लिखाने आए सर।